पूर्व प्रधान के काले कारनामों की खुली पोल। जी हाँ, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के करमचंदपुर गांव का, जहां हमारी संवाददाता से हुई वार्ता पर ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व प्रधान ने अभी तक सारी योजनाओं को अपने जेब में रख लिया। किसी भी ग्रामवासी को कोई लाभ नहीं मिला, यहां तक कि पूर्व प्रधान द्वारा गौशाला एवं नाली निर्माण भी नहीं कराया गया, जबकि सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत गांवों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा था। कैमरामैन आर के राजपूत के साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। ग्राम करमचंदपुरवा जो कि कदौरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम आता है, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ करमचंदपुरवा जो प्रधान जी से मिलते हैं। प्रधान जी आपका नाम बताएं। मलखान सिंह है। और बताइए क्या, जो मैंने यहाँ से आया मैं पूरे रोड पे पानी भरा हुआ है, प्रधान जी जरा बताएं पूर्व प्रधान के बारे में क्या क्या काम करवाए हैं। अरे पूर्व प्रधान के क्या, ये नहर विभाग से जो रोड हुआ था उसमें कोई काम ही नहीं हुआ, और थोड़ी फॉर्मेलिटी करके ऊपर शो कर दिया, पूरे के पूरे गड्ढे पड़े हैं, कोई बहाने नहीं गाँव में। आप बता, देखा भी होगा आपने। जी जी बिल्कुल देखा है, जैसे हम लोग सड़क से उतरे तो यहाँ पे बहुत गड्ढे भी हैं, और मैं अपने गाँव के भी अंदर आया तो इतने गड्ढे हैं, मेरी गाड़ी भी वहाँ फंस फंस के आई है, जो कि आप बताएं। कागज में कार पूर्ति है, पूरा एक नंबर का काम है, यहाँ बिल्कुल घटिया किस्म का काम पूरा का पूरा हुआ है। जो कि प्रधान जी का कहना है, पूर्व प्रधान है, बिल्कुल नापाक हुए सर हैं, बिल्कुल कोई भी काम नहीं करवा सके हैं। पूरे देखा जिस तरीके की मैंने, पूरे में पानी भरा हुआ है, ना कि सड़कें डली हुई हैं, लेकिन उनमें गंदगी भी ज़्यादा है। पूर्व प्रधान ने कोई भी काम ही नहीं कराया। चाचा आपने स्थिति गाँव की भी। जी जी बिल्कुल। और जो आपने हुए हैं, आपने अभी तक क्या क्या काम करवाया दो महीने में? अभी हमने अपने कार्यकाल में वृक्षारोपण करवाया, और क्या रोड कच्चा, ये जो मरम्मत, ये आपकी गाड़ी यहाँ 5 वर्षों से ये रास्ता नहीं, बिल्कुल लॉक थी, यहाँ पूरी मरम्मत करवाई है, और आगे रास्ताएं में 3-4 जगह रास्ताएं जो बंद पड़ी थी उनमें पूरा दोबारा से काम मरम्मत करके रास्ता क्लियर करवाई, वाहन जाना आना बंद था, और इसके साथ साथ नाले आले की सफाई की। नाली तो ऐसा है, नाली की सफाई अभी दिख रही है लेकिन कम है, यहाँ ज्यादा सफाई करने के लिए कितने लोग हैं यहाँ पे? एक ही सफाई कर, खाली एक लोग है खाली बस। और यहाँ जो गौशाला है, गौशाला में कितनी गाय है? गौशाला में अनुमानित 55 गाय का अनुमान बता रहे हैं कि पहले से हैं, अभी तो हाल पे सभी अन्ना पड़। जी जी बिल्कुल, आपका कहना है अभी तो गाय उसमें है ही नहीं है। अच्छा चाचा ये बताइए, जो अभी जो कोविड चल रहा है, अभी कोविड में जो दवाई वगैरह गांव में खिंची जाती है, आपने दवाई खिंचाई है? छुआया पूरा गांव सैनिटाइजर से करवाया मैंने, पूरा गांव 2-3। अच्छा सैनिटाइजर पूरा करवाया आपने? 2-3 बार। करमचंदपुरवा की हमारे साथ बिल्कुल साफ सफाई, बिल्कुल आप शब्द सुने बने रही, आप हमारे साथ देखते रहिए न्यूज इंडिया 19। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो गौशाला का उसमें भी मरम्मत चल रही है, अभी सब सारे खम्भे और तार फिटिंग हो रही है, सारे कार्यकर्ता लगे हैं अभी वर्तमान में। अच्छा प्रधान जी का कहना है, जो गौशाला है उसमें काम चल रहा है, अभी तेजी के साथ चलवाया है इन्होंने, ओके तार और फेंसिंग हो रही है, बाकायदा पानी आने की व्यवस्था है वहाँ? उसमें वहाँ पानी कोई व्यवस्था नहीं, जो स्टार्टर और डोरी थी वो पूर्व प्रधान के माध्यम से किसी ने, उसका जो चौकीदार था वो निकला लिए, वहाँ है ही नहीं है। मैंने ये शिकायत BDO साहब से और सचिव से सभी से कहा भी है। तो सचिव साहब क्या कहते हैं? वो ये कह रहे थे कि ये तो FIR थाने में करें आप, हमने मौके में थाने से SI से कहा था तो बोले ठीक है हम जाके मौके पे देख लेंगे। अभी तो SI आपका मौना करने आया है यहाँ? कोई ना मौका करने आया ना कोई बात हुई जब से, जो कि ऐसा है चाचा का कहना है, मैंने FIR भी की थी लेकिन कोई मौके पर आया नहीं, SI भी नहीं आया, यहाँ पे कोई मौना करने नहीं आया। सारी व्यवस्था वहाँ की ध्वस्त पड़ी है, गौशाला में नल भी बंद पड़ा है। अच्छा अच्छा सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल कुछ नहीं है चाचा, आप साफ सफाई का जरा ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब सफाई कर्मी चूंकि वहाँ लगा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, 2-3 दिन से वो आया नहीं है, नहीं वो सफाई क्रमशः करता रहता है, कभी इस खोल में कभी इस रास्ते में ऐसे चलता है, और रास्ता बहुत खराब है। देखिए हमारे साथ कैमरा मैन के राजपूत साथ उपेन कुशवाहा स्पेशल खड़ी है खड़ा हूँ ग्राम करमचंदपुरवा जो कि ब्लॉक कदौरा के अंतर्गत आता है ग्राम, और यहाँ देखिए लोगों की परेशानी लेकर हम आए हैं गांव का विकास की ओर के। तो यहाँ देखिए कितनी सारी जो कीचड़ रास्ते में पड़ा हुआ, हमारी गाड़ी भी रास्ते आई है, और यहाँ देखिए चाचा भी आ रहे हैं जो यहाँ। चलिए हम लोग ग्रामीणों से बात करते हैं, प्रधान के बारे में क्या कहना चाहते हैं अभी तक पूर्व प्रधान, और जो
तत्काल के प्रधान बने हैं, उन्होंने क्या काम कुछ नहीं साहब, ये काम क्या हो गया? क्या नाम है आपका? अकबर अली। अकबर अली खान जी, ये बताएं कब से आप हैं? पैदा ही भाई, कब से बताए? तो आप ये बताइए, जो पूर्व प्रधान है उन्होंने क्या करवाया? अभी जो पूर्व प्रधान, उनका तो खाते ही ब्लॉक है, अभी पैसे ही नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले जो था उसका पेट ही नहीं भर पाया, अब क्या काम होगा? वो जो अभी तत्काल बने हुए हैं उन्होंने क्या करवाया? अब जब बताया नहीं, काम ही नहीं, उनके खाते ही नहीं, ब्लॉक है, खाता तो कहाँ थे? जो थोड़ा बहुत हुआ का डेढ़ वही भरवाए। चलिए चाचा आप बताए, क्या नाम है आपका? अच्छा जी, भाई बता रहे हैं प्रधान जी के लड़के हैं, जो कि सफाई वफाई बोल रहे हैं कि होती है, लेकिन अभी तो दिख नहीं रही है। नहीं, सफाई तो प्रतिदिन होती है। अच्छा, दिख तो नहीं, चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये बता रहे हैं डेली सफाई होती है। चलिए, क्योंकि एंटी करप्शन से पूछते हैं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहाँ हो रहा है, कुछ सफाई हो तो सही से दिखाई दे। एक नाली साफ हो गई, एक नाली साफ ही नहीं हो रही है, देख नहीं रहे क्या आप? ये सब चौमासे में कहाँ से हो जाता है? सफाई हो रही है, अच्छे कह रहे हैं, बरसात के टाइम पे कोई सफाई नहीं हो रही है, लेकिन जो पानी भरा हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि RCC पढ़ना चाहिए भाई, सभी रोडों में अच्छे से काम हो। CC तो पढ़ना चाहिए, अभी तो इनका ना यहाँ अभी तो खाता भी नहीं खुला हुआ, लेकिन अभी तो जो पूर्व प्रधान के बारे में बताएंगे, पूर्व प्रधान के बारे में क्या बताएं जी? काम ही तो नहीं किया, कुछ काम ही नहीं किया। पूर्व प्रधान से उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया है, और इस वक्त चाचा हमारे खड़े हैं। चाचा क्या नाम है आपका? दादा, हम कुछ नहीं जानते। दादा कह रहे हैं हम कुछ नहीं जानते, बोल रहे हैं। चलिए चलिए, जरा इस वक्त दिखाएं, जरा यहाँ पे भी दिखाएं, जरा तो बारिश का सीजन है, तो पानी भरा हुआ है, और मेरी गाड़ी भी वहाँ से फंस के आई है, रोड से भी काफी बिल्कुल बहुत ज्यादा समस्या यहाँ की खराब है। जैसे PWD का भी विभाग यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त होकर रखा है, और जैसा मैं भी आ रहा हूँ तो गाड़ी भी मेरी फंस सकी थी, दिखाएं जरा वहाँ कैमरा मैन को, उनको गाड़ी भी दिखाएं, वहाँ मेरी फंस के आई थी। और जरा अभी की ले लेना, सब ले लो वहाँ भी। खाते नहीं खोलो तो धान को तो बंद कर दे।